الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادرانه इस्लाम बरदरान तरीक़त सामयी ने किराम कशफुल महजूब शरीफ से हम दर्स दे रहे हैं आज जो मौजू है बाफ्रहती मिनती ऱीन साहब कराम रजवानल आल अजमाइन में जो अम सबा हैं जिन्हें हम उर्फ़ आम में खलफ राशिदीन कहते हैं उनमें से दूसरे खलीफ़ा हजरत से नमर बिन खत्न के मुनाकब आज बयान किए जाएँगे आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम कशर महजूब शरीफ से इबारत पढ़कर कर दर्श दे रहे हैं मना़ब बयान करने के लिए सैकड़ों किताबें हैं और मजीद में खूस अहलब रसोल सब रसोल्ला अज़म़ाइन اللہ, आपके तमाम सहाबा के मनािब आए हैं अदीस में खलफ़ा रशदीन के मनािब आए हैं अहलब रसोलम के मनाब आए हैं हम यहाँ पर चूँकि ये कशफुल महजूब तसोफ़ की किताब है द तगजबरमतल त जो जिस तरतीब से इस किताब को लिखा है इससे पहले मैंने बयान किया है कि सबसे पहले इस इस्बातलाइलिम का चैप्टर आया है सेकंड इस बात अल अलफ्र फ्र का इस बात है तीसरा तसोफ़ का बाब है चौथा मुराकात लिबास का है फिर फख्र में और सफत में क्या फ़र्क़ है बब मलामत है उसके बाद सहाबा के जो काबिर हैं अम्मा सहबा हैं उनका तस्करा है इसके बाद में अहिल बैत फिर अहल शफ़ा अब इसी तरतीब से हम चल रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रफी तन के मनाख़ब गुज्त दर्श में बयान कर दिए गए अब फजर सिमरबालख रजी अल्लाह तनाक़िब यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं उनमें से फरमाते हैं सरहंग अहल ईमान व शाह अहल अहसान इमाम अहल अंदर बहर महब्त गरी़ अबू हफ्स अमर अलताब रजीलब इसमें जो दो लफ्ज़ हैं सरहंग आम तौर पर फ़ौजियों को कहते हैं लेकिन फ़ौजियों के भी सरदार सर हम और अहल ईमान के फिर सालों के अहल एहसान अहल एहसान के आप इमाम में से हैं तसफ़ एहसान को कहा जाता है एहसान का दूसरा नाम तफ़ है इस्लाम में जितनी इल्म के ब्रांचेस हैं जितनी शाखें हैं उनमें एक शाख तसव्वुफ़ की है जिसका ख़ास काम तज़किया है साफ़ करना मुज़क्का करना मुसफ़ा करना मुज़क्का मुसफ़ा को आप याद रख लें तो तसव्वुफ़ आप समझ जाएँगे और इमाम अहल तहर और बहर महब्बत के गरीब, बहर महब्बत में डूबे हुए हतर फ़ारूक रजील की महबत के बहुत वाक़ हैं लेकिन हम यहाँ पे हज़रत की किताब हम पढ़ेंगे वहाँ से समझेंगे आपका मुकाम यहाँ पर इस बाप की बारत आगे शुरू होने से पहले सिर्फ़ इतना बतलाएंगे आज का दर्स अजीब व गरीब नौीय का है और इसको हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उस्मान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ चुके हैं और अहले सिलसिला अहले तरीक़त जहाँ पे मैंने गुज्त दस साल बारगाह यूसुफ़ैन में तकरीबा मैंने से मसनवी दिया घर पे दिया दस साल और दस साल के ख़रीब करीब शेख रोज़ा हजरत सिराजुद्दीन जुनेदी रमतल तुनेद बगदादी रज़ा की औलाद हैं दक्कन में उनके रोज़े पर तकरीबन आठ साल मैंने दरस मसनवी दी है यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स और यूनिवर्सिटी के तलबा इस बात पर ताज्जुब मेरे सामने करते थे तनवीर साहब आप कब की किताब पढ़ के सुना रहे हैं कितने सौ साल पुरानी किताब पढ़ के सुना रहे हैं मसनवी मौलानू ये महजूब आप मौजूदा दौर से उसका रेलेवेंस पैदा करते हैं उसको रब्त करते हैं पैदा करते हैं और ये बतलाते हैं कि ये किताब जो है आइंदा आने वाले ज़मानों में भी वैसी ही कार रहेगी जैसे हजरत के ज़माने में थी ये बात मुझसे कहते हैं वो अहले इल्म का तस्करा कर रहा हूँ आज का फारूक आजम रजील्ला जो दर्स है आपके मनाब हैं उसमें चंद बातें ऐसी हैं मौजूदा हिंदुस्तान के हालात में भी उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला नुक्ता, उमर फारूक के तनाकब में मैं अर्ज़ करूँगा दर्श ये यह यहाँ से फिर शुरू होगा वो ये है कि हजर पाकिम ने नबूत फरमाया और इस्लाम की इशात शुरू हुई घर से शुरू हुई कहा ये जाता है कि सबसे अदीस में आया है कहा जाता नहीं है सब से पहले अमालमिन ख़ीजतक़बराजी अल्लाह ता उन्होंने ईमान लाया और जो बैत हैं घर के लोग हैं उनमें से का करमल्ला वजह रज़ी त बच्चों में हैं उन्होंने ईमान लाया और जो दोस्तों में हैं आप उर्दू में दोस्त बोलेंगे सहाबी साथ रहने वाले तो ये सहाबी का लखब इस्लाम के बाद से है पहले का नहीं है मिलने जुलने वाले साथ रहने वाले आप जो चाहे वो कहें अब वो कसदी खर्जील्ल सबसे पहले अब इस्लाम फैलने लगा और कितने मज़ालिम हुए कितनी दुशारियाँ हुईं में आप के साथ क्या क्या लोगों ने सलूक किया कुफ़ारो मश्रक थे ही वो तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं अगर कोई तहखी करना चाहे ने जो मज़ालिम सहे हैं और साहब किराम जो हिजरत से पहले के वाक़ हैं सिर्फ़ मज़ालिम पे और तकलीफ़ों पर कोई चाहे तो तहखी कर सकता है बल्कि सौ पचास लम्हाँ की टीम अगर सौ साल तक काम करती रहे तब भी उसको अहाता नहीं कर सकते इतने मज़ालिम हैं अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मक्के में जो शदीद तरीन इस्लाम के मुखालिफ थे वसम के जो मुखालिफ थे आपके काम के मुखालिफ थे उनमें दो खवी लोग थे कबीलों में उनका मुक़ाम था पहलवानी में मुकाम था वो दोनों का नाम इत्तेफ़ाक से उमर था एक का नाम उमर बिन खत्ताब था खत्ताब के बेटे एक उमर बिन हिशाम ये इनके असली नाम है हुआ ये कि रफ्ता-रफ्ता लोग मुसलमान हो रहे थे और एक दिन हुआ यह कि हुजूर पाक आलातम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्तजा की दरख्वास की अल्लाह इन दो उम्र में से किसी एक उम्र को ईमान की तोफ़ी अता फ़रमा इस्लाम में दाखिल फरमा और इस्लाम को तकवियत अता फरमा। तो जब आपने दो उमर का नाम लिया एक उमर बिन खत्ताब पहले नाम लिया बाद उमर बिन हिशाम नाम लिया दूसरे दिन ये हूर में आया उमर बिन खत्ताब अभी मुसलमान नहीं हुए हैं उमर बिन खत्ताब इस्लाम की बढ़ती हुई क़्वत को देख कर बेजार होकर उन्होंने तलवार निकाली और इस बुरे इरादे से कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला कतल कर देंगे ऐसी नीयत से निकले नंगी तलवार के साथ गु़स्से के आलम में रास्ते में लोगों ने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो क्या इरादा है तो अपने उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ ताकि माज़ल्ला ये फितना ही ख़त्म हो जाए चूँकि मुसलमान नहीं हुए थे फितना बोलो क्या बोलते कि कुछ भी बोल लो किसी ने कहा कि पहले बहन और बहन वही की ख़बर लो वो खुद मुसलमान हो चुके हैं बहुत ग़ौर से सुनिए आज इंडिया का रिलेवेंस मैं बताऊंगा रिलीजन क्राइसिस क्या है आज मैं बताऊंगा कॉन्फ्लिक्स क्या है मैं बताऊंगा मजालिम क्या है वो बताऊंगा आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे तो बहर कैफ़ वो उसी ग़ुस्से के आलम में वो तलवार लेकर अपनी बहन के घर चले गए तो देखा कि बहन और बहन वही हैं और ये वो लोग क़ुरान पढ़ रहे हैं जैसा ही उमर बिन ख़त्ताब को देखे अभी रज़ी लनु नहीं बने अभी देखे वो कागज़ों को कुरान मजीद के छुपा लिए और शक में इजाफ़ा हो गया उन्होंने उमर बिन खत्ताब ने अपनी बहन को अपने बहन को इतना मारा इतना मारा कि वो लहू हो गए कहा कि क्या पढ़ रहे थे बताओ तो बोले नहीं मारते मारते थक गए और बैठ गए तो बोले बताओ क्या है उन्होंने कहा कि तुम हाथ नहीं लगा सकते तुम पाक नहीं हो तो बोले पढ़ के सुनो सूरतहा की इब्तदाई आयतें थी जैसा ही सूरतहा की इब्तदाई आयतें बहन और बहन वही दोनों में से कौन तिलावत करे वो मुझे एग्जैक्ट इत्तला नहीं है बस तफी करेंगे इस बारे में शुरू की इब्तदाई जैसे आयतें पढ़े तलवार छूट गई और दिल पे खशियत तारी हो गई बोले ये कलाम तो इंसान का नहीं हो सकता है मगर वो तलवार थी बस ऐसे ही ले चले तो हजूल वसलम के काशान अकदस की तरफ बच्चे समझ नहीं सकते काशान अकदस घर की तरफ फसी उर्दू काशाना कहेंगे हजू सल वसम के मुकदस मकान की तरफ वो चल रहे थे जलाल तो था ही था गुस्सा तो था ही था जलाल और गुस्से में फ़र्क है जलाल का लफ्ज़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए जब आदमी गज़ब में आ जाए तो वो जलाल है नफ्स के लिए आए तो गुस्सा है फ़र्क है दोनों में तलवार लेकर निकले और हजूर सल के घर की तरफ तो लोग परेशान हो गए देखते देखने वाले और इनके वहाँ पहुँचने तक हजूर पाकल स दर अकद तक दरवाज़े तक पहुँचने तक हुजूर को इत्तला दे दी गई कि उमर ऐसे इस गज़ब में हैं और आ रहे हैं हज़रत हमजा रज़ी तजूसम के चचा भी बैठे हुए थे वो गु़स्से में बाहर आए जलाल में बाहर आए और ये कहते हुए आए अगर उमर की नीयत ठीक है तो ठीक है वरना उसकी तलवार से उसी का सर ख़लम कर दिया जाएगा बाहर आकर ठहर गए सामने आ रहे हैं पूछा क्या नीयत है क्या इरादा है तो बोले मैं गुलामी में आना चाहता गए हजू के ख़दमों में गिर गए ईमान ला लिए यहाँ एक बात याद रख लीजिए अच्छी तरह से कोई शख्स पूरी तारीख इस्लाम में किसी शख्स ने किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया और कर भी नहीं सकता है इस्लाम में दाखिल करने का किसी को अख्तियार है ही नहीं अल्लाह हिदायत देगा तो वह दाखिल हो जाएगा उसके दिल में होगा तो दाखिल होगा वरना दाखिल नहीं होगा यहाँ पर एक अल्लाह की शान और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का मैं इजहार करना चाहूँगा अहल सुन्नत के अलावा जो फ़िरक़े इन दो सौ साल फ़िरक़े हैं उनमें से एक फ़िर ये आयत पढ़ पढ़ कर खुश होता है बगलें बजाता है कि इसमें माज़ल्लाजूर वसम की उनकन तनखीस नज़र आती है कला तहदी अहबता वाली मशा ए हबीब आप जिसको चाहते हैं हिदायत देना उसको हिदायत आप नहीं दे सकते जिसे आप तर्जुमा मुख्तलिफ कीजिए मैं बिल्कुल आवाम समझ सके रजूर वल्लम चल्ला फरमा रहा इशात फरमा रहा है कि आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप देना चाहें तो ये जो सुन्नत के अलावा जो देखो बाबा मैं बार बार बोलता हूँ मैं स्कॉलर हूँ मैं मैं नाम नहीं बोला तो गलत बात होगी मैं भाई सड़क पे का चौ चो, चौरस्ते का लीडर नहीं हूँ ना ये फ़िर वहाबिया के लोग ये आयत पढ़ कर कहते हैं कि हज़ुर के अख्तियार नहीं हज़ुर के अख्तियार नहीं हैं और जो मोहम्मद बिन अब, इबन अब्दुलवाहाब नजदी जो फिर वहाबिया के जान बानी हैं उन्होंने अपनी किताब तो पर सबसे पहले यही आयत लिखी है और ये बताते हैं कि हज़ुर को इख्तियार नहीं हुए देखो तुम जिसको हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते वना वला, वला यहादी मयूश जिसको चाहता है हिदायत देता है तो इनको ये जो बगलाँ जो बजा रही अल्ला हिदायत दे सकता है इन्होंने नहीं दे सकते यानी इख्तियार है बताना चाहते हैं मैं फ़ीर तनवीरद्दीन ये आपको समझाना चाहता है और अहले सुन्नत को भी समझाना चाहता है वहाँ भी तो रहे ये बतलाना चाहता है कि इस आयत में हुजूर की शान बयान की गई है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हबीब आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको चाहे आप जिसको चाहते नहीं दे सकते लेकिन अल्लाह देता है तो इससे समझ रहे हैं कि हुजूर की माजल्ला इसमें तो कोई तनखीस निकल रही है इसमें तो हुजूर की शान है वो कैसे है मैं वजह बताता हूँ अगर अल्लाह ताला ये इर्शाद फरमाता अगर इफ़ की बात है कि आप जिसो चाहे हिदायत दे सकते हैं ये अल्लाह ने इरशाद अगर फरमा दिया रोज़ महशर जितने कुफ़ा मुशरकिन यहूद नसारा गुमराह हैं कल बारगा लाही में ये कहने का हक़ हाँ रखते थे अल्लाह तूने तो तेरे हबीब को अख्तियार दिया था ईमान देने का इन्हों ईमान नहीं दिया हमारा क्या खसूर है हजूर पर बोझ रखते थे अल्लाह ने उस बोझ से बचाने फरमाया कि मैं जिसको चाहे दे सकता हूँ आप नहीं दे सकते तो आपको बचा लिया ये हुजूर की अज़मत है ये कल जो बोलना है मेरी जात से बोलना लेकिन हुजूर हजूर पाकल्ला मेरे हबीब की तरफ तुम नज़र नहीं उठा सकते उंगली नहीं उठा सकते गुमान नहीं उठा सकते बदगुमानी नहीं कर सकते था मन न क्या लटक लटक के तकरीर करते समझते कि उजबिल्ल मेरे शैतान तो रजी क्या अल्फाज अदा करूँ तो उमर फारूक रजी अल्लाह अल्ला अब जो ईमान लाए क्या हजूर सल्लम पकड़ के उसको उनको अब उसको बोला ईमान लाने से पहले तक उसको पकड़ के ला के पिलाए क्या हज़रत हमजा पकड़ के पिलाए क्या नहीं अल्लाह ने शुर की तिलावत सुनकर दिल पे ख़शियत उसके तारी की और वो दौड़ता हुआ आया उससे क्या आलम हाथ में हाँ थीश तलवार तो क्या करेंगे गिलाफ में ले कर लाएंगा क्या आ गया अल्लाह ने दिल पलटाया अल्लाह ने हिदायत दी लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए मुसलमान बनने के लिए ईमान लाने के लिए वो दस्ते अगदस पर रखा क्या आप इनको इस्लाम में आप जो आए उनको बैत लो जो आ जाएं बैठ लो ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे कुफने करेंगे शिरक नहीं करेंगे जिना नहीं, नहीं करेंगे औरतों के लिए अलग है मर्दों के लिए अलग है सब के लिए तो उनके इंटेंशन से वो इस्लाम में दाखिल हुए अब हिंदुस्तान में बहुत इस वक्त पहले टाक ऑफ द टाउन कहते थे अब इसको टा टाकावि कंट्री बोलते हैं टाकावि वर्ल्ड बोलते हैं क्या बोलते हुँ? एक शख्स है उसका नाम वसीम रज़ी था वो मर्तद हो गया इस्लाम पे बहुत उसने एतराज़ा किए और उसने जो वो उस सनातन धर्म अख्तियार किया जितेंद्र त्यागी क्या कि नाम रख लिया क्या हो गया किधर हो गया कुरान पर एतराज़ किया हज़ूर पर किया इस्लाम पर एतराज़ किया मुसलमानों पर एतराज़ किया कुरान पर एतराज़ किया वग़ैरह वगैरह आप तो बोला कि अल्लाह की किताब नहीं है भी बोल दिया और एक किताब छब्बीस एक सौ छब्बीस आते निकाल के एकदा कुरान छाप दिया ये कह रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती धक्के मार के इस्लाम से निकाल दिया गया कोई किसी की माने यानी कि किसी को इस्लाम से निकाल दे जो निकलना चाहता है उसको रोका नहीं जाता चले जाओ ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत की बात कर सकते हैं कोई ना इस्लाम से निकाल सकता है और ना कोई दाखिल कर सकता है अल्लाह उसके दिल में ईमान डाल दे तौबा कर दे फिर इस्लाम में आ जाए तो अदर फोर्सेस नहीं हैं ये बेचारे हिंदुस्तान के हमारे दीगर शहरी जो मुसलमानों के अलावा हैं जिसमें ख़ास तौर पर हिंदू धर्म के भी कई ब्रांचेस हैं उसमें अपने आप को कोई आला कहने वाले अदना कहने वाले हिस्टोरियंस बहुत से हिस्टोरियंस इस्लाम तलवार से फैला इस्लाम ज़बरदस्ती से फैला कोई हो ही नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता उसके दिल में बात आना चाहिए और वो इस्लाम कबूल करे बहुत हज़ारों मिसालें मैंने देता ये आपकी मिसाल पहली है कि आप ख़ुद आ गए इस्लाम की हक़ानियत के अकरार किया हुजूर ने उनको तबाह कराई और अब वो इस्लाम में दाखिल है हजूर से पाक सल्लेसम के दस्ते मुबारक पर बैत करके बात ख़त्म हो गई आपका पहला जुमला ये है क्या या रसोल्ला हम हक पर नहीं हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए था पूछ लिए देखिए आदमी गु़स्से वाला पहलवान उसकी पहलवानी सिफत जा नहीं सकती उसकी सारी कौत इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही थी हजूल वसम् के ख़िलाफ़ में चल रही थी उसकी तलवार इस्लाम के ख़िलाफ़ उठ रही थी हजूल वसम के ख़िलाफ़ तलवार उसने उठा ली थी जैसा ही मुसलमान हो गया यह तलवार कुफर के खिलाफ चलने लग गई शिर के ख़िलाफ़ चलने लग गई मोमिनों की तइन में चलने लगी जब मोमिनों के ख़िलाफ़ में चलती थी तो अर्ज़ किया यार रसोल्ला क्या हम अकबर नहीं हैंजूर ने फरमाया क्यों नहीं फिर अर्ज़ किया कि ये लोग कुफर पर हैं बािल हैं और अलल एलान बुतों की परस्िश करते हैं हम हक़ हाँ पर होकर क्या हम काबतल्ला में नमाज़ अदा ना करें चलिए आज नमाज पढ़ते हैं ये इस्लाम के चालीसवें मुसलमान थे ये चालीस की तदाद मुकम्मल हुई थी और मुशर्रफ़ा के पास हर में काबा में पहुंचकर कर पहली अलल एलान खुल्लम खुल्ला नमाज अदा की गई ये उमर फारूक रज़ी ये ज़ुरत मानी थी तो यहाँ बस इतना अर्ज करना चाहते हैं ना कोई इस्लाम में दाखिल कर सकता है ना कोई ख़ारिज कर सकता है हाँ इतना हो सकता है कि तुम किस मुकाम पर हो तुम कुफर में है तो कुफर की कौन सी मंजिल में है शिरक में है तो कौन सी मंजिल में है ईमान में है तो कौन सी मंजिल में मुफ्ती इतना बता सकता है पॉइंट आउट कर सकता है अब जो ये मौसूफ कह रहे हैं कि मुझे धक्के मार के निकाल दिए फिर ये कहते हैं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ा फिर बोलते मैं सनातन धर्म अख्तियार कर लिया इस तरह की जो बातें हैं अब हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत लोग अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं ईमान की जुरत का हरारत का इज़हार कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी कैफ़ियत अलग है जो बेपढ़े लिखे हैं वो उनकी सतह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ गाली गलोच पे भी उतरे हुए हैं लेकिन अब इस वक्त हिंदुस्तान में अब तक जितनी हम हमको नॉलेज है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में ये एक ला यान हल हल हरगिज़ हल ना होने वाला मसला बन गया है एक शख्स निकला भले शिया में रहा हो और खुम खुला कफ़र किया कुरान का इनकार हुजूर की वसालत का इनकार किया किताब का किताबुल्लाह का अल्लाह का कलाम नहीं होने का ऐलान किया इस्लाम से वो खुद ख़ारिज हुआ हम नहीं करे ये स्... बच्चे उसको सेल्फ आउट बोलते हैं कबड्डी खेलते हैं तो लाइन एक होती है एक उधर एक लाइन होती है किधर इधर लाइन होती है तो इधर की पार्टी जब वहाँ तक जाती है खेलने वाला वो जल पार करना तो उन्हें आउट नहीं होता अगर जल पार करे वगैरह पलट के आ गया तो सेल्फ आउट तो ये सेल्फ़ आउट हो गए हैं ये सेल्फ आउट हो गए इल्ज़ाम हम पे मुसलमानों पे धर रहे हैं किराम के नज़दीक अब ये हल ना होने वाला मसला बन गया है बाद लोगों में ऐसी भी बात आई है कि शियों के पास एक तखिया नाम की चीज़ होती है ये शख़्स तखिया कर रहा है दुनियावी चंद चीज़ों को हासिल करने के वास्ते अपने दिन को छुपाकर उनके दीन में दाखिल हो वहाँ से क्या हासिल करना चाहता है वो जानता है लेकिन हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं ए, इस तरह का इस दर्जे का तखिया हो सकता है हमको नहीं मालूम है तखिया तो है होता है लेकिन इस दर्जे का तखिया हो कुरान के मुतक इनकार कर दिया रसुल्ला का इनकार कर दिया सब का इनकार कर दे रहा फिर तखिया कैसा हो सकता है हमारी समझ के बाहर है हो सकता है तो हो सकता होगा अगर ऐसा कर रहा है तो दुनिया के तमाम शियों को जलील और रस्वा कर रहा है मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए अब हल क्या है बहसीत दरवीश बहसीत फ़ीर बहसीत सूफिया के खादिमों सूफिया के जो खादिम हैं सूफियाना खिदमत करते हैं उनके पैरों की खाक से भी मैं कमतर हूँ मगर मैं कर्ज करूँगा जो जिस रंग का होता है वही बात करता है हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हजरत शेख अभी सईद अबी खैर मुबारक ताला अलैह ये आज से हज़ार साल पहले के बुज़ुर्ग हैं हजरत सना इमाम ग़ाली ताला अलैह से और एक सौ साल पीछे के हैं उनके रबायात मशहूर हैं उनकी रुबाई दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है रबायात और मैंने पर्शियन बेल्ट में मैंने देखा या नहीं जो फ़ारसी बोली जाने वाली है उन ममालिक बात करता हूँ और ख़ुद शिया मजलिसों की बात करता हूँ जब वो ज़िक्र करते हैं तोबा सफ़ार करते हैं तो इस रुबाई से शुरू करते हैं बाजा बाजा हरान च हस्ती बाजा गर का फिर गाब्र परस्ती बाजा इन दरगह माँ दरगह नौ में अगर तोब शिकिस्ती बाज़ा ये शेख हबी सईद रजी अल्लाह तू ये कलिमा गाला की तरफ से कह रहे हैं बाजा पलट कर आज़ा बाजा पलट कर आज़ा हरान हस्ती बात जो कुछ भी है पलट के आ जा काफिर है तो पलट के आ जा आतिश परस है तो पलट के आ जा बुध परस है तो पलट के आ जा परस्ती कर लिया कर लिया पलट के आ जा आग की पूजा करा पलट के आ जा क्या किया है पलट के आ जा कुफर किया है पलट के आ जा इन दरगाह है मां ये दर माने दरवाजा दरगाह बोले तो हिंदुस्तान के जाह हां य्यू अल जाहल अलमा दरगाह बोले तो खबर को बोलते अरे होले दर माने दरवाजा दरगाह एंट्रेंस गेट इन दरगाह माँ ये अल्लाह ताला के पास आने की जो बारगाह है जो चौखट है ये हमारी चौखट नाउमीदी की चौखट नहीं है इन दरगह माँ दरगाह नउमीदी नीस नउ उमीदी की दरगाह नहीं है अगर सद तो बाज बार तोा तोड़ी है तोबा किया है तोबा तोड़ा तोबा किया है तोबा तोड़ा तोबा किया है तोबा तोड़ा कुफर किया है इस्लाम छोड़ा है क्या क्या किया है सौ बार ऐसा किया है तब भी पलट के आ जाओ इन दरगाह माँ ये हमारी चौखट दरगाह नउमिदीनी इस नौमीदी की चौखट नहीं है तो मैं फार्मर मिस्टर वसीम रिज़वी प्रेजेंट जितेंद्र त्यागी आप तक मैं एक फकीरों का इस दौर का छोटा बिल्कुल हमबुल नुमाइंदा हूँ आपसे कह रहा हूँ आ जाओ तोबा करो तोबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है या तो तुम्हारी जान का या हमारी जान जो कुछ भी है गिर गा लगने तक मौत से पहले जो गिर गिरा रखता गिर गिरा तक तोबा की तो दरवाज़ा खुला है और तमाम आलम के वास्ते सूरज मगरब से जब निकलेगा जब तक तोबा का दरवाज़ा खुला है आपकी गुफ्तगु सारी जो है हम बयान सुन रहे हैं पहले कुछ और था अब कुछ और रंग है अब इब्लीस ने शैतान ने आपको नाउमीदी के समंदर में गर्ख कर दिया है गोते लगा रहे हैं और मरने के लिए जो गोतों का पानी अंदर समंदर में डूब रहे हैं तो मरने वाले की जो आवाज़ निकलती है वैसी नाउमीदी की आवाज़ निकल रही है आपकी आइए हम तबाह करा देंगे इस्लाम में दाखिल तो आपको होना पड़ेगा हम दाखिल कराने के वी हैव नोट क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं उसको लाइसेंस हमारे पास उसका नहीं है दाखिल तो अल्लाह करेगा वो जबान से आपको बोलना पड़ेगा दिल से तोबा आपको करना पड़ेगा इधर आने की नीयत आपको करना पड़ेगा हम माज़ल्ला हम ठेकेदार नहीं हैं लेकिन आपको रास्ता ज़रूर बता सकते हैं अब आप बहुत कुछ बहुत दूर जा चुके होलमा अब आपको मायूस कर चुके हैं कि अब पलट के नहीं आ सकते हैं और वाकई ऐसे पॉइंट पे हैं कि आप पलट के नहीं आ सकते हैं लेकिन हमारी बात आपके दिल पर असर करे या शेख अभी सईद अबी खैर की रुबाई आपके दिल पर असर करे बाजा बाज़ा हरा चे हस्ती बाजा फेरो परासी बाज़ा इन दर गह मो दरगह नोम दिनीसर अगर तोब शी बाज़ा बात फारोक़ आज़म की है कोई उनको दाखिल नहीं किया उन्हें ही दाखिल हुए इंटेंशन जो होता है दाखिल होने का इंटेंशन खारिज होने का इंटेंशन आपके हाथ में है अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है इसके बाद का जो पॉइंट है गुमराही ये भी अल्लाह की तरफ से है लेकिन अल्लाह ताला हर शख्स को वो देता है जो वो चाहता है जो गुमराही का तालब है उसको गुमराह कर देता है जो हिदायत का तालब है उसको हिदायत देता है क्योंकि अल्लाह का, का काम देना है तो क्या मंगा वो देता हलाल रोज़ी मंगा हलाल रोजी देता क्या करते बच्चों को पालने कुछ भी करना पड़ता हराम क्या हलाल क्या बोले तो हराम भी मिलता तुम्हें को जाओ क्या करते तो अल्लाह के बारगाह से अल्लाह की दरगाह से वहावियाँ इसको ख़बर समझेंगे होले दरगाह बोलते ख़बर दरगाह बोलते ख़दर, ख़बर कोई बात है एक्चुअल क्या है इसमें फारसी में आपको सौ से ज़्यादा हम मिसालें दे सकते हैं अल्लाह साहब की दरगाह में मेरा रोज़ा कबूल कर्नाटक में बोलते आज भी रोज़ा खोलते वक्त दरगाह बोले तो ख़बर होती रमाजल्ला नहीं अल्लाह की चौखट पर उसके दरवाज़े पर उसके सामने हम हमारा रोज़ा पेश कर रहे हैं अल्लाह तो कबूल फरमा तेरी बारगाह में है तो ये दरगाह ये दरवाज़ा नाउमीदी का दरवाज़ा नहीं है फारूक़ आज़म की पहली मिसाल है ये वसीम रिजवी के जैसे लोग और वो हिंदू स्कॉलर्स पंडित बड़ बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं उनके मज़हब के अहदों पे जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज़बरदस्ती इस्लाम लाया गया तलवार के ज़ोर पे फैलाया गया गर्दन काट के पुकार मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर मुसलमान जो 800, 900 सालों में हिंदुस्तान पे अगर लाहौर का भी तस्करा ले लिया जाए और अफ़ग़ानिस्तान से इधर तो एक हज़ार साल होते हैं इन एक हज़ार साल में कोई बादशाह ऐसा जुल्म करता जो आज हो रहा है या आज़ादी के बाद से मुसलमानों पर ऐसा जुल्म हुआ है तो आज म्यूज़ियम में भी देखने गैर मुस्लिम नज़र नहीं आता अल्लाह इज्जत ने हकूक़ मुकर किए हैं जब इस्लाम का निज़ाम आ जाए तो मसीहियों को चर्च को जाने की इजाज़त है जो अपने मज़हब पर अमल करता है बुत खाना है तो बुत खाना भी रहा करे उसको तोड़ा नहीं जाता जो तोड़ा गया वो हालत जंग में हुआ सो है हालत जंग के अलावा बिल्कुल नहीं हुआ बहुत सी बातें हैं यहाँ पे बड़े रेफरेंसेस हैं और एक पॉइंट अगरचे के दूर चले गए हैं हम महमूद गज़नबी रमतल तै का नाम बहुत लेते हैं कि हिंदुस्तान को लूटा और ऐसा किया वैसा किया आ, जो राजस्थान का मंदिर बहुत मशहूर है सोमनाथ का मंदिर है उसको तोड़ा सोना लूटा एक हिस्टोरिकल पॉइंट अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि जब सोमनाथ राजस्थान में सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तो वहाँ जो महंत थे उन्होंने महमूद गजनवी के पास पेशकश की कि हम आपको ये जितना सोना है या जो कुछ है हम आपको देते हैं हमारी मंदिर छोड़ दीजिए क्योंकि इस्लाम में यह गुंजाइश है कि कोई पेशकश करता है तो उसको पेशकश कबूल की जा सकती है ये जजिया कहते हैं टैक्स कहते हैं जो ग़ैर मुस्लिमों के जान माल की हिफाजत के लिए टैक्स लिया जाता है वो जज़िया और ये जंग में तो मसालियात होती ही है तो चौबीस घंटे का वक्त उन्होंने मांगा अपने दरबारियों को बुलाया वजीरों को बुलाया जंग के जो माहरीन थे सिप को बुलाया और सबको बात किया कि ये लोग पेशकश कर रहे हैं सोमनाथ के मंदिर के लोग और हिंदू महंत और जितने बड़े हैं अकाबिर हैं ये पेशकश कर रहे हैं हम इतना इतना माल देंगे इतना, इसमें जितना है वो सारा हम आपको देंगे मगर हमारी मंदिर मत तोड़िए बुतों को मत तोड़िए तो महमूद गजनवी ने कहा इस पर गौर कीजिए सब लोगों ने कबूल कर लिया सब ने मुतफ़ा तौर पे कहा कि माल लेकर छोड़ देना चाहिए लेकिन उनका एक गुलाम था उसका नाम आयाज था ये अयाज भी समझा देता हूँ आन ये अलीफ ज़ाद अयास ऐसा है हमारे पास उर्दू में फ़ारसी में अलीफ ये अलिफ़ जे अयाज़ लिख देते हैं आयाज खामोश था गुलाम महमूद ने पूछा अयाज तू बहुत दाना है तू क्यों खामोश बैठा है तू अपनी राय क्यों नहीं देता है तो उसने जैसा कि तरीका था जान की माफ़ी इजाज़त बोलने की जुरत करने की तो बोले बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो अयाज ने महमूद गजनवी से पूछा मुस्लिम स्कॉलर्स भी सुने हिंदू स्कॉलर्स सुने क्रिश्चियन स्कॉलर्स सुने वर्ल्ड हिस्ट्री जानने वाले सुने इस बात को जो मैं अर्ज कर रहा हूँ अयाज ने महमूद गजनवी से कहा कि सरकार क्या आप तारीख़ में बुत फरोश कहलाना पसंद करेंगे या बुद शिकन आप अगर पैसा लेके कर बुत को छोड़ दिए तो आप बुत फरोश हो गए अगर ऐसा नहीं करते हैं बुत शिकन कहलाओगे आपको अख्तियार है कि आप शिकन कहलाओ या बुत फरोश मोहम्मद ग़ज़नवी कहा मैं बुत फरोश तो नहीं बन सकता तो ये अयाज के मशवरे पर हुआ सारा वबाल महमूद गजनवी पे है और ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं मुसलमान तो ख़ास तौर पे जानते हैं सली करमल्लाजहर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बहुत फसाद हुए बहुत पुतखून तो हुआ बड़े फितने हुए तो किसी ने हजरत सिली करमल वजह रजी से पूछा या अली आपसे पहले यानी यानि सदी मेर फ़ारूक हस्मान गनी के ज़माने में रज़ी ऐसे फितने न थे जो आपके ज़माने में इतना खत्ल खून है पहले ऐसा नहीं था क्या वजह है आपने फरमाया हुकूमतें मुशीरों पर चलती हैं जब हम मुशीर थे अब तुम हमारे मुशीर हो ईशा से फंसा दिए आज हिंदुस्तान में अगर फसाद है तो हाकिमों का फसाद नहीं है वो हाकिम मुसलमान रहो हिंदू रहो काफे रहो मुशरिक रहो यहूदी रहो या जो फिर आप अमेरिका चले जाइए वहाँ का जो भी सदर है इनकी वजह से नहीं है इनके मुशीर फसादी हैं इनके मुशीर खून खराबा कराने वाले हैं इनके मुशीर लुटेरे हैं इनके मुशीर खसाब हैं इनके मुशीर इंसानों का खून चाटने इंसानों का खून बहने को पसंद करते हैं हाकिमों को उस रास्ते पर ले जाते हैं हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है अलबत्त एक मेरे दिल में बहुत ज़माने से तड़प है कि मैं मुसलमानों अपने भाइयों से अर्ज़ करूँ अलैहि वसल्लम ने जो दुआएँ फरमाई हैं या आपकी जो सीरत है वो सब उस पर अमल करें तो हम सुन्नत पर अमल करना होगा हुजूर ने जो दुआ फरमाई अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम में से दोनों में से एक को ईमान की दौलत देकर इस्लाम में दाखिल करके इस्लाम को तखलियत अता फरमा तारीख़ इस्लाम में मैं तो नहीं देखा कोई ऐसा मुसलमान हुजूर की सुन्नत पे अमल किया मैं तो नहीं देखा लेकिन आज मुसलमानों हिंदुस्तान के मुसलमानों से अर्ज कर रहा हूँ पढ़े लिखे हो जाहिर हो कुछ हो हम आज कर सकते हैं हिंदुस्तान में जो कुछ धूम मची हुई है दो आदमियों में से इन दोनों का नाम लेके अल्लाह की बारगाह में यहाँ नहीं सड़क पे नहीं गैदरिंग में नहीं जलसे में नहीं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के हुआ तो तहाजुद में तन्हाई में अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हिंदुस्तान में ये दो है गड़बड़ बहुत हो रही इनमें से एक को मुसलमान करके इस्लाम को तखलीत अता फ़रमा हिंदुस्तान में अमन अता फरमा ये आप बोल सकते हैं मैं भी बोलता हूँ तो अब हम चलते हैं आगे हुआ क्या फ़ारूख आज़म से मुत फ फरमाते हैं आपके करामात मशहूर हैं फस्त मजकूर फ़िरासत का जिक्र अहदीस में आया है आपके वाक़ में आया है वह मखसूस बुद बरासत फ़िरासत से दानाई से दूर अंदेशी से आप महसूस हैं फिरासत क्या चीज़ होती है अल्लाह ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो फिरासत के माने होशियारी नहीं है एक ऐसी नज़र है फिरासत ऐसी नज़र का नाम है कि साहब फरासत अपनी आंखों से अपनी नजर से नहीं अल्लाह की नजर से देखता है इतको भी फिरासतिन हदीस में आया है तुम मोमिन की फिरासत से डरो क्यूं? क्यों अल्लाह के नूर से देखता है क्योंकि वो यंजुर नूर अल्लाह और अल्लाह के नूर से देखता है अल्लाह के नूर से देखे तो क्या होता मैं समझाता हूं मेरे को नहीं मालूम मौलानूम बोले तो मेरे को मालूम हुआ उन्होंने समझा तो मैं समझा मौलान फरमाते हैं जो अल्लाह की नजर से देखता है ये तेरे पेट में जो ये चमड़ा है पेट के अंदर क्या बच्चा है वो भी देख लेता है दीवारों के पीछे देखता है दरियाओं के आगे देखता है पहाड़ों के आगे देखता है ये सूफियाँ इसी से रहते हैं सुनिए पूरे पागल कैसे कैसे बात करते पहाड़ों के आगे देखता कहते दरियाओं के आगे देखता कहते पेट के अंदर क्या है देखता ऐसा जी जी ऐसा ही है ये फारूक आजम है उमर बिन खत्ताब हैं ये रजी अनु हैं ये वो पहले का गया जमाना वो नेहावंद में जंग चल रही नेहावंद कहाँ है ईरान आप कहाँ हैं मस्जिद नबवी में हैं चार पाँच हज़ार किलोमीटर का तो भी फ़ासला है एग्जैक्ट तो नहीं ज्योग्राफी वाले बता सकते पाँच हज़ार कम से कम पाँच हज़ार किलोमीटर दूर है मुस्लिम फौज नेहावन पर है ईरान से जंग चल रही है उमर फारूक रजी अल्लाह तुम मदीन तैयबा में मिंबर पे खड़े रह के खुतबा दे रहे हैं ये तीन सीढ़ियाँ वाला रहता ना चार सीढ़ियाँ वाला यहाँ खुतबा दे रहे हैं खुतबा दे रहे हैं लोगों को बीच में कह रहे हैं या सारिया अलजबल या अलजबल फिर बोले या अलजबल सारिया कमांड ईरान में जो जंग पर फौज गई थी उस फौज के कमांडर इन चीफ का नाम सारिया था यहां से मैंबर से बोल रहे हैं पहाड़ की तरफ देखो सारिया पहाड़ की तरफ देखो सारिया पहाड़ की तरफ देखो पांच हजार किलोमीटर है क्या क्या है बीच में दरिया है पहाड़ है झाड़ है जंगल है और कितने कितनी, कितनी रुकावटें हैं ये आवाज़ उमर फ़ारूक़ की सारियाँ सुन रहे हैं इन यहाँ से बोल रही ये चेक कमाल है उन वहाँ से सुन रही ये दूसरा कमाल है यहाँ से बोलने वाले का मुकाम देखो और सुनने वाले का मुकाम देखो फिर उस पर अमल कर रहे हैं नहावन की तरफ़ देखे तो जर्रार लश्कर है भागे उस तरफ पहाड़ की उस तरफ गए मोर्चा संभाल लिए संभालते वहाँ जो कुफार की मश्रकिन की आतिश परस्तों की फौज थी उसको वहाँ से पसपा किया क्या बोले हुजूर फिरासत मोमिन की फ़िरासत से डरो के अल्लाह के नूर से देखता है अम्मा के पेट में देखता है बोले तो इन बोलते ऐसा आया है फुरान मजिदना ऐसा आया है अब ये आयत वहाँ भी भूल के पैंतीस साल हो रहे हैं ये आयत ही नहीं पढ़ते ये आयत पढ़े तो बाजू से निकल के भाग जाते पांच चीज़ों का मेरा किसी वक्त किसको भी नहीं है अम्मा के पेट में क्या है जैसा ये ये स्कैन निकला ना कौन सा स्कैन है वो अल्ट्रासाउंड मेल बेबी है फीमेल बेबी है अल्ट्रासाउंड बताते वहाँ भी उनका पेशाब पैखाना आशान खता हो गए बेहोश अभी तक जबान ही नहीं खुल रही है वहाँ भी उनकी सीटी स्कैन बता दे रहा अल्लाह के सिवा किसको नहीं मालूम है बोले तो सिटी स्कैन आदमी है ना उन्हें शैतान है ना जिन है एक जो है अ, मेटल का मशीन है मेटल का मशीन बता रहा वहाँ भी उनको पैखाने लग गए मौत आ गई दफन हो गए अब आयत ही नहीं पढ़ रही वसीम रज़ी के जैसे आयत निकाल दो बोलते कि क्या किया लोग ये फिरासत बोलते इसको अल्लाह के नूर से देखा तो नीचे देखा तो जमीन सात तबक क्या है देख लेता ऊपर देखा तो सात आसमान क्या है देख लेता ये दर्श मैं रेलेवेंस में पैदा करके बोलता हूँ बस यही है बात इतनी है आज का आदमी समझे कि क्या बात है कश्मीर महजूब हज़ार साल है पुरानी किताबों की नई बात करो नहीं इन अपनी जबान से बोले ही नहीं ना ये बातें ये ख़ुद साहेब नज़र थे ये ख़ुद साहेब फिरासत थे इनों बोले तो क़्यामत तक देख रहे हैं पूरा का पूरा ये खुश अखीदगी के बात आए ठीक है बाबा तुम बदअीदगी का करो ना क्या हुआ तुम्हारे पास ड्रेनेज की पाइपलाइन घरों से निकलने दो हम ठंडे पानी की पाइपलाइन तमाम लोगों के घरों में पहुंचाएंगे ताकि प्यासे शराब हो जाएं घर नापाक घर पाक हो जाएं तुम करो बदबू फैलाओ हम खुशबू फैलाएंगे चलिए एक बार अहले मोहब्बत के वास्ते एक बात और कहता हूँ आगे का जुमला पढ़ता हूँ दस के ख़त्म होने का वक्त आ गया है हुजूर ख्वाजा आजम ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लादिरू जब अपने शेख के पास हाजिर हुए अभी मुरीद नहीं हुए मुरीद होने के लिए हाजिर हुए तो तिर ने उनको सिलसिले में दाखिल किया इन गए तो दाखिल करे नहीं तो कहाँ से दाखिल करते क्या हवलों को जैसा एक पागल यहाँ पे आया था नांदेड़ में आपके मैं गुज्जो देख लिया मुरीद है अरे हिंदु काफिया नाम सब सामने से जा रहे हैं अरे हौले तिर को खुद नहीं मालूम तू कौन है मेरे को देख लिया तो मुरीद हो गया देख लिया तो मुसलमान हो गया बोलो ना जरा दम है तो नहीं बोल सकते वो दीवाने शाने लोगों को उल्लू बनाने के वास्ते बोलते हैं ये वैसा नहीं है जब हुजूर ग़रीब नवाज़ अपने पीर के पास हारून रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे उनके हाथ पे बैक किया सिलसिले में दाखिल हुए दाखिल हो तो बोले तो उन्हें दाखिल करें, नहीं तो नहीं हो सकता उसके बाद फरमाया कि आज ईशा के बाद एक हज़ार मरतबा शुरू खलअल्लाद अल्लासमदलमुल्लोकुफ़न हद एक हज़ार बार पढ़कर सुबह में मेरे पास आना गरीब नवाज़ ने हज़ार बार अखलास पढ़ा हाजिर हुए फरमाया आँख बंद करो नीचे देखो क्या नज़र आ रहा है सात तबक ज़मीन और उसकी हर शय मुझे नज़र आ रही है नज़र ऊपर करो आसमान की तरफ पूछा क्या देख रहे हो सात आसमान और अरसे आला तक में देख रहा हूं बंद करो फॉरी बंद करो बंद करो फोन बंद करो सात तबक आसमान देख रहा हूं तो ये अल्लाह के नूर से देख रहे थे तुमको कुछ भी नजर नहीं आता तुम अपनी नज़र का मातम करो हम क्या कर सकते हैं दीगर सिलसिलों में भी ये बात है और हमारे पास हज़रत हजरतखार इशा वतान रमत मीरान ख़ुदानमा हुसैन रमोतल हमारे पास इशा के बाद ग्यारह सौ पच्चीस मरतबा एक हज़ार एक सौ पच्चीस मरतबा सूर्य अखलास की तिलावत है एक मुरीद का वाक़ है कि हज़र प कशफुलकबूर कैसा होता कोई पूछा बेचारा तो बोले ग्यारह सौ पच्चीस पढ़ रहा खलवल्ला ने पढ़ ला बोले पढ़ लो अरे क्या रे दो हाथ ज़मीन के अंदर मुर्दा कैसा है? होते को नहीं दिखा तो फिर वो सात तबक कैसा दिखता रे खल्ला पढ़ने से आपको ये नज़र मिलती है खुल्ला क्या है सूर अखलास को सूर तो भी कहते हैं अल्लाह की वहदानियत वो क्या करती है आपकी तमाम कसाफ़तों को दूर कर देती है और आप अल्लाह के नूर से देखने लगते हैं इसका जहूर कई मकाम तक किसी कई तरह से होता है आदमी बात करता है तो उसकी बात करने वाले की नीयत की इंतहा तक सुनने वाला पहुंच जाता है ये भी अल्लाह के नूर से होता है तो अभी जो मसला हिंदुस्तान में चल रहा है इनके मुँहों से जो बातें निकल रही हैं उसकी इंतहा को समझ सकते हैं पहले लोग बोलते थे मेरे को नहीं मालूम होता था छोटा था मैं मुरीदों से पूछता था तुम्हारे को क्या बोले हजरत क्या दिए तुमको क्या दिए मेरे को भी बतावाना तुमको क्या सीखे मेरे को भी बताओ ना छोटा बच्चा था उन्हें बोलता था ऐसा ऐसा हुआ बोलते मैं उसको पकड़ के पूछता और क्या क्या हुआ अरे नहीं 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 मेरे को सिखा होना हालाँकि वालिद मौजूद थे और ख़ुशी क्या है एक अदमी बोल रहा करास है अब मैं से कैसा पूछूँ मैं डर होता तो वो देहाती लोग बोलते थे अरे साहब खां मुझे बैठो जी क्या मच्छी के बच्चों को तैरना सिखाते क्या ऐसी मिसाल मगर मेरे को नहीं समझ में आता था इतना छोटा था कि वो बात इतनी समझ में आती थी मतलब ये जो बहरे मारिफत है अल्लाह की पहचान का जो समंदर है अल्लाह की पहचान की जो दरिया है उसके तैरने वाले तो आपके वालिद हैं आप उनके बच्चे हैं आपको तैरना कौन सिखाएंगे नहीं सिखाते हमको मालूम भी है तो नहीं बोलते तो मुराद ये है कि ये इस्लाम में दाखिल होना और निकल जाना तेरा अख्तियारी फ़ैल है अब यहाँ पर एक बात हम यहदी शरीफ मुकम्मल करके बात ख़त्म करते हैं तो आप मखसूस हैं फारोक़म फ़िरासत से वो सलाबत वही और लतफ़ और आपकी सलाबत इसत के बहुत लतफ हैं अंदर इन तरीक़त तरीक़त के अंदर शरीय तो सभी जानते हैं शरा के माने क़ानून है उस पर चलने का नाम तरीक़त है उसको अप्लाई करने का नाम तरीक़त है उस पर चल के मंजिल पर पहुँचने का नाम तरीक़त है वो दखाए अंदरन माना और तरीक़त के जो हैं बारीक नुकात हैं इस बारे में आपका ख़ास मुकाम है वो पैग़म्बर वसल्लम ने आपके सल्ला फ़रमाया अल्लाक़ लसानी उमर उमर की ज़बान पर अल्ला बोलता है माँ नज़र से ये अल्लाह की नज़र से देखता है जब बोलता है तो अल्लाह से बोलता है ये सिफत किसकी है क़ुरन में अल्ला नेजूल से मुतरमा माँतनी हवा इन हुआ अपनी हवा से ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं हुजूर के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला उमर की जबान पर बात करता है समाज के भी हैं बाद में हम लाएंगे वो नीज गुफ्त नफी फिल्म मुहदसू न फ़ी उम्मती फमर रजी हर उम्... तमाम जो उम्मतें गुजरी हैं उनमें मुहदस गुजरे हैं मेरी उम्मत का महदस उमर है रजी अल्लाह तुम तर्जुमा उम्मान पीछे इन मुहदसान बुदान अगली उम्मतों में मुहदिस मुहदसन थे अगर अंदर इन उम्मत बेबावशत अगर इस उम्मत में मुहदिस है आन उमरहत रजी अल्ला तुम वैरा अंदर इन तरीक़त रमोज लतीफ़ बसी और तरीक़त में बहुत लतीफ़ नुकात हैं उनके रमोज हैं तरीन किताब जुमले राहसान तवान कर इस किताब में उनको उनका अहाता नहीं किया जा सकता है दाता गंजब्स लिख रहे हैं उसके बाद एक बात करके हम दर्ज को ख़त्म करते हैं अम्मा लेकिन अजवई मी और हमारे फारो रजलानों से मतलब कहते हैं कि गुफ्त आपने इर्शात फराया है ना फ़ारो आजम ने मिन खुलता अलत राजलत तन्हा रहना तन्हा ज़िंदगी गुजारना तन्हा इबादत करना लोगों से कट के रहना राहत है बुरे लोगों से मिलने जुलने के मुकाबले में वरना गोशा नशी नहीं गोशा नहीं बोलते बोलते इस्लाम नहीं ला क्या बोलते वो है ना ला रोहबा फिल इस्लाम अरे कहाँ से पढ़ के आया उसके माने कहाँ आप हो रहे हैं तेरे को मालूम नहीं है फरमा रहे हैं कि तन्हाई बुरे लोगों से मिलने जुलने के मुकाबले में तन्हा रहना बेहतर है ये नहीं फरमाया कि दुनिया में किसी से मिलना ही नहीं ये दमागी फ़तूर फिसजूर हलबी हसावत और संगदली ये इस इन चीज़ों के नाम बात ही आपको समझ में नहीं आती उर्दू पस, उर्दू बोले तो एक अरे दरगाह बोले तो ख़बर अरे दरगाह दरगाह अल्लाह की दरगाह है अल्लाह की दरगा में मेरा अल्लाह की अल्लाह साहब की दरगाह में मेरा रोज़ा कबूल दरगाह बोले तो ख़बर बोलते रहे बेहूफ अलज़लत राहत मिनतु उजलत राहत बव तन्हाई राहत होती है अजहम नशीनों ने बद बुरे लोगों के साथ बैठने के मुकाबिल में फरमाते हैं कि उजलत बरद उजलत तनहाई दो तरह होती है ये कि एराज़ असहाल एक मखलूक से ही मुंह मोड़ लेना वह दीगर इनखता अजीशान और उनसे ख़त ताल्लुक़ कर लेना व एराज़ असहाल गुजीदन जाए खाली खालिब और मखलूक़ से एराज करना तनहा जगह को पकड़ लेना है व तबर्र कर देना सोबत अजनास और अपने आप को बरी कर लेना दूर कर लेना मुख्तलिफ जिन्स के लोगों से बज़ाहिर वह आरामिदा बेखुद बे रोइ ओब आमाल ख़ुद व अखलास जस्तान खुद रज़म ख़ालत मर्दुमान बड़ी बारत है ये मुख्तलिफ अजनास के लोगों से आ, दूरी अख्तियार करना और ख़ुद आराम हासिल करना बरुत अयुब आमाल ख़ुद किस लिए ऐसा करना ताकि अपने बुरे आमाल को देख सके। लोगों में जमा हो जाएंगे आप देखे होंगे बच्चों को थोड़े दिन उन्हें जा के आता एक हफ़्ता डेढ़ हफ्ता बहुत हुआ तो एक चिल्ले में जा के आ गया हर तरफ उप फैला हुआ फैला हुआ है लोग देखो का फिराना माल कर अरे तेरे को तो अभी धो लेने का तरीक़ा कितने उसमें क्या है नहीं मालूम है उसमें उसमें क्या सुन्नते हैं क्या नफील है धो लेने के तरीक़े नहीं मालूम मैंने कहा फिर मुशरी कहा फिर मुशर अब ये बेचारा इसको कुछ समझ नहीं निकली उन्हें पर्सनल बोर्ड शिया पर्सनला बोर्ड का सदर था छोटा मोटा नहीं था जो भटका पटकी खाया इबलिस मोहल्ले में मलक कुछ पट की खाया तो ऐसी खाया कि जिसकी हद नहीं अब उसको अब चांस नहीं है इबलिस को चांस नहीं है अब तुम वो चांस में नक्को जाओ अभी तुम्हारे को जो भी है बाजा बाजा पलट आ पलट आ हरान से हस्ती बाजा जो कुछ है जिस पोजिशन में पलट के आ जा इंदर गहमां बाजा बाजा बस बाजा बाजा हरान से हस्ती बाजा गर का फेरो गैब्रो बुत पर बाज़ा का फेर है गैब्र है बुत पर है पलट के आजा, जा इंदर गह नीज ये हमारी चौखट नाउमीदी की चौखट नहीं है सतबार अगर तोबे शी बाजा शोबा तो ने तोबा किया है तो आजा, और अब वो लोगों को क्या बोलूँ अल्लाह झूठ बोल सकता है माजल्ला झूठ बोलने पर हाजिर है ऐसा बोलने से ही झूठ बोलाऊंगा समझ रहा हूं अगर तुम अल्लाह पे इम्कान किस कह सकते हो रसुल्ला तो मखलूक है ना रसूल के बारे में क्या कहेगा तू मुसलमान था कब होंगा किसी उम का बानी इब्लीस जो पटकी खाया अब उसको जैसा नहीं हो सकता सवाल पैदा नहीं हो सकता तूने अल्लाह पर ऐप को इमकान कि अगर इम्कान होता ऐप का अल्लाह में माज़ल्ला तो झूठ का हो सकता अल्लाह तमाम अयूब से पाक है इसी फ़ोन में हकीम सनाई का खसीदा है अल्लाह ताला तान में किन किन इल्लतों से चौदह इल्लतों से अल्लाह पाक है मुमकिन ही नहीं है इल्लत बीमारी नक्स अगर नक्स होता माज़ल्ला अल्लाह में इम्कान किस झूठ बोलने का इम्कान अगर अल्लाह में इम्कान तुझे नज़र आता है ए बानी दारुल के शुमाली हिंदुस्तान के सुन ले तेरी औलाद जितनी मानवीय औलाद गली गली कुत्तों से ज़्यादा सुवरों से ज़्यादा फैली हुई है सुनो अल्लाह पर ऐब का इम्कान लगाता है तो अल्लाह खालिक है तो मखलूक़ पे कैसा नहीं होगा रसुल्ला के बारे में क्या कह रहा है तू तेरा निशाना अल्लाह की तरफ तू लगा रहा है लेकिन असल निशाना रसुल्ला की तरफ है जैसा कि डार्विन ने कहा डार्विन ने क्या कहा इंसान था पहले बंदर पूरे इंसानों को बोला माजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि को बोलने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन टारगेट वसल्लम थे डार्विन के पास तेरे पास भी रसुल्ला टारगेट है चाहे तू कुछ भी कर ले लाखों साल की बात इब्लिस को काम ना आई तेरा क्या काम आएगा अल्लाह पे ऐप का इम्कान तो रसुल्ला का क्या हुआ तेरा तीर कहाँ तक जा रहा है तेरी ज़बान चल के कहाँ तक पहुँच रही है हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका उसके नूर से ओलिया देखते हैं आप जानते हैं सूरज निकलता तुम्हारे कमरे में घुस के आता क्या नहीं आता उसकी रोशनी में तमाम आलम रोशन हो जाता है आपके कमरे में सूरज नहीं घुसता वो रोशनी जो सड़क पे खुली सड़क खिड़कियों से पलट के आती है तो यहाँ आपको हर चीज़ नज़र आती है तो हम भी किसी कोने में बैठ के हम भी अल्लाह की रोशनी देख रहे हैं तेरी जबान कहाँ चल रही है तेरी किताब क्या बोल रही है तेरा फिर क्या बोल रहा है डालारा वालारा सब खत्म हो गया अब कुछ भी बाकी नहीं है अब जो है रियाला भी हाथ को आ गए तुम तो पहले ही हाथ को आ गए तुम मुसलमानों का ईमान नहीं छीन सकते लोग पूछते हैं कि बोलो वो जमा के मजगे तो पलट के नहीं आते क्या है तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह पे ऐसा बड़ा इतहम लगाते हैं बच्चे बच्चों को बोलने लगा देते उसको शौर ही नहीं रहता उन्हें बोल देता मोहर लग जाती बर खासा पलट के नहीं आ सकते अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरे लोगों की सोहबत से बचाए आमें, 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 आमें। नेकों की सोहबत अता फरमाए आमें, आमें। उन लोगों की सोहबत अता फरमाए जो अल्लाह तेरे नूर से देखते हैं और तेरे नूर की रोशनी में चलते हैं हमको हिदायत फरमा हिदायत के रास्ते पर हम तोबा करते हैं तमाम गुनाहों से लाहरी गुनाहों से बातिनी गुनाहों से बड़े गुनाहों से छोटे गुनाहों से शिर जली से शिर खफी से कोफर से बेदात से सबसे मेरे साथ जितने सुन रहे हैं और आइंदो सुनने वाले हैं सब की तोबा को कबुल फरमा और अल्लाह तेरे हबीब के तसद हम को वो हिदायत फरमा हमको इस काबिल बना कि जो तेरी राह से भटक रहे हैं उनको तोबा करके फिर हजूर पाक सल्लाम की उम्मत के ज़ुमरे में फिर से हम उनको दावत देने के हमको अहल बना दे और उनको भी हिदायत फरमा आखिरी ज़माने के फितनों से हमको महफूज फरमा दाता गंज रखश रमत का दर्द हम सुन रहे हैं उनका फ़ैजान हमको अता फरमा पीरान दो फैज से हमारे सीनों को मुनवर फरमा हमारे वजूद को मनवर फरमा हमारे ख़बरों को मुनवर फरमा हमारी आखिरत को मनोवर फरमा हज़ुर पाक सल्ला वसलम के दस मुबारक से जाम कोसर नायत फरमा तो अपना दीदार नसीब फरमा सल्लही सीना मोहम्मद अजमायन अलहमदरबीआल जरा पेंसिल दीजिए टिक मारेंगे पेंसिल दो बरा इसको बंद करें